वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग। स्टार्ट करें आज का सेशन। यस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस। सो आज हम डिस्कस करें दो टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है। हम आखिरी वार, अंतिम वार डिस्कस करें गेट के लिए, और इसमें हम दो टॉपिक मेजरली आज डिस्कस करेंगे। एंड ये दोनों भी टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैसे। एक मिनट, हाँ, दो टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, एक है सेल सिग्नलिंग इम्यूनोलॉजी, उसके सारे क्वेश्चंस एंड उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एंड दूसरा है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो गेट एक्सेल, गेट बायोटेक्नोलॉजी, दोनों भी सेशंस को हम कंप्लीट करेंगे। यस, सो स्टार्ट करें आज का हमारा सेशन, अंतिम वार, आखिरी बार, सेल सिग्नलिंग एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। स्टार्ट करें। यस, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे आप सब लोग? प्रिपरेशन कैसे चल रही है? यस, तो यहां पे हम डिस्कस करें अभी नेक्स्ट सेशन, एंड दैट इज अंतिम वार, आखिरी बार, और ये है गेट एक्सेल एंड गेट बीटी। एंड याद रखिए, गेट 2024 के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 20 फेब के लिए लाइफ साइंस का। तो 20 फेब 2023 से 6 मंथ की वैलिडिटी है, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। तो ये गेट का बैच है। तो आप में से जो भी गेट के लिए, नेक्स्ट गेट के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। तो वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। यस, तो एक्सेल के लिए जनरल एप्टीट्यूड एंड केमिस्ट्री कंपल्सरी होती है। हाँ, सो नाउ शिवानी, आपको एक्सेल है तो एक्सेल में बॉटनी होता है, जूलॉजी होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है, ओके? तो उनमें से दो टॉपिक करने होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, चलो देखते हैं आपका प्रिपरेशन कितना अच्छा चल रहा है, आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर दो। यस, तो क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, इफ हैवी चेन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का हैवी चेन है, मॉलिकुलर वेट 65 किलो डाल्टन, कि 65 अगर किलो डाल्टन मॉलिकुलर वेट हैवी चेन का एच चेन, एंड लाइट चेन मॉलिकुलर वेट 25 किलो डाल्टन, लाइट चेन का मॉलिकुलर वेट है 25 किलो डाल्टन, द अप्रोक्सीमेट कैलकुलेटेड वेट ऑफ मोनोमेरिक ट्रांसमेम्ब्रेन IGM। अभी यहाँ पे देखो क्या पूछा है, मोनोमेरिक ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब बी सेल रिसेप्टर, एंड बी सेल मतलब ये मोनोमेरिक है, एंड खुद ही वो बोल रहा है कि क्वेश्चन ही बोल रहा है मोनोमेरिक है। तो हमें क्या करना है, मोनोमेरिक जब एंटीबॉडी होती है तो मोनोमेरिक एंटीबॉडी में कितना होता है? यस, तो मोनोमेरिक एंटीबॉडी, अभी देखो अरे क्वेश्चन तो देखो भैया, क्वेश्चन चेंज है, आंसर रट लिया है, ये देखो रट्टा मास्टर हो गया, डी ऑप्शन स्टार्ट, क्वेश्चन आया नहीं सामने, डी ऑप्शन स्टार्ट। हाँ, हो गया, हमारी प्रिपरेशन इतनी है, हम बिना क्वेश्चन देखे आंसर लगाते, हमारे झंडे पहले गाड़े हुए होते, बाद में क्वेश्चन पढ़ते,
क्या करे, रट्टा है, मतलब हमने एमएससी तक यही किया है और आगे भी यही करेंगे, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ, मतलब हमने क्वेश्चन देखा नहीं भैया, स्टार्ट हो गए झंडा गाड़ना शुरू, डी 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 डी, अब भैया क्वेश्चन तो देखो क्या है। ऐसा नहीं कि हर बार डी ऑप्शन होगा। हाँ, ये हो गए मजे, मुझे पता था। तो मोनोमेरिक एंटीबॉडी में टू हेवी चेन एंड टू लाइट चेन होते हैं, तो टू हेवी चेन मतलब 65+65 एंड टू लाइट चेन मतलब 25+25 एंड टोटल इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 180 किलो डाल्टन एंड इसका आंसर है बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन तो देखा करो भैया, क्वेश्चन देखो ऐसा मत करो। ये एग्जाम के लिए क्वेश्चन दिया है। ओके, तो 180 किलो डाल्टन या उससे आप उसको मल्टीप्लाई करो। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मुझे पता था पहले क्वेश्चन में ये गलती करेंगे, पता है पहले क्वेश्चन में 5 साल की सजा, ओके, और 10,000 का जुल्मुना लग गया है पहले क्वेश्चन में, बिना देखे आंसर करना, इसे बोलते हैं पढ़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, शर्मिला मैडम, हमारी जो क्लास है वो क्लास नेक्स्ट वीक में स्टार्ट होगी, गेट का एग्जाम होगा ना, गेट के एग्जाम के बाद होगी, क्योंकि अभी गेट के लिए प्रिपरेशन चल रही है, गेट के लिए हम अंतिम वार देखे, देखो अंतिम वार आखिरी बार चल रहा है, तो अंतिम वार ये हो जाएगा, उसके बाद इमोशन बैच फिर से स्टार्ट हो जाएगी। यस, तो गेट का एग्जाम होने के बाद स्टार्ट हो जाएगी। यस, सो इन एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग ड्रोसोफिला डेवलपमेंट अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्यूरिफाइड बाइकोइड एमआरएनए वाज इंजेक्टेड इनटू द पोस्टेरियर एंड ऑफ वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो। अगर आप वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो में, मतलब ये ड्रोसोफिला का एग है, इस एग में पहले से यहाँ पे बाइकोइड है, करेक्ट, यहाँ पे बाइकोइड एमआरएनए एंड यहाँ पे नैनोज एमआरएनए, वाइल्ड टाइप एग मतलब यहाँ पे नैनोज का भी एमआरएनए होगा, एंड आपने क्या कर दिया, आपने पोस्टेरियर एंड पे बाइकोइड ऐड कर दिया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इस बार भी आई होप एक क्वेश्चन आ जाए एक्सपेरिमेंटल कि जहाँ पे वो कुछ ना कुछ डाल दे बाइकोइड एमआरएनए। तो अगर दोनों साइड में बाइकोइड एमआरएनए हुआ, एक वाइल्ड टाइप है, तो क्या होगा? यस, क्या होगा? तो सब लोग बोल रहे हैं फोर्थ ऑप्शन होगा। क्या फोर्थ ऑप्शन होगा क्या? अभी आप ही बताओ जो बोल रहे हो आप, ये सही है क्या? यस, तो डी ऑप्शन। यस, तो डी ऑप्शन, हम ये बोलते कि डी ऑप्शन में मेजरली यहां पे जैसे एक्रॉन हेड, सो एक्रॉन हेड थोरैक्स, ओके, और उसके बाद फिर से एक्रॉन हेड थोरेक्स एंड उसके बाद होता होगा बीच में एब्डोमिन। तो ये एक्रॉन हेड थोरेक्स एंड एब्डोमिन, तो इस तरह से होगा। तो टू हेड्स एंड टू थोरेक्स विथ एन एब्डोमिन सेगमेंट इन द मिडल, क्या ये करेक्ट है? यस, तो आपने जो आंसर दिया है वो करेक्ट है, लेकिन ये याद रखना यही पूछा जाएगा, इसमें ही क्वेश्चन आएगा। कोई ना कोई एक एक्सपेरिमेंट याद रखना कि बाइकोइड नहीं होगा तो एंट्री स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे, अगर बाइकोइड को बीच में डालो तो मिडल हेड फॉर्मेशन होता है। यस यस, ओके, नाउ ये हुआ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, तो आप सब लोगों का सही हुआ, वेरी गुड। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड सोच समझ के बताना, क्या क्वेश्चन पढ़ के बताना। यस, हाँ हाँ राजस्थान सेट के लिए भी करेंगे, अंतिम वार करेंगे, सब पे हम अंतिम वार करेंगे, हम सारे एग्जाम्स के लिए, तो अंतिम वार आखिरी बार ये गेट एग्जाम्स के लिए, गेट एक्सेलेंट गेट बीटी के लिए। तो जैसे ही गेट एग्जाम होगी उसके बाद हम इमोशनल बैच को फिर से स्टार्ट करेंगे, ओके, और हम सबका आपके ऊपर पूरा ध्यान है।
लेकिन अभी गेट के लिए एग्जाम मैपिंग करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए गेट का एग्जाम मैपिंग चल रहा है। ओके, तो सारे एग्जाम्स का एग्जाम मैपिंग होता है। तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, द पेशेंट कम्स विथ सिम्टम्स ऑफ ऑटोनॉमिक हिमोलिसिस, द डायग्नोस्टिक टेस्ट रिवील दैट ही हैज ऑटो एंटीबॉडीज टू रेड ब्लड सेल्स, कि ऑटो एंटीबॉडीज है रेड ब्लड सेल्स के लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज द कोर्स ऑफ कंडीशन। अगर हिमोलिसिस हो रहा है तो हिमोलिसिस मतलब क्या, आरबीसी का लिसिस हो रहा है, तो आरबीसी का लिसिस कब होता है, आरबीसी का लिसिस तब होगा जब आरबीसी को एंटीबॉडी बाइंड होगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंड ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के बाद क्या होता है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, वहां पे मैक एक्टिवेट होता है कॉम्प्लीमेंट में भी, एंड मैक ऑस्मोटिक लिसिस करता है। तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होगा तो देखो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स का रोल नहीं है, क्योंकि आप एंटीबॉडीज की बात कर रहे हो, तो एंटीबॉडी बाइंड टू द एंटीजन, एक्टिवेशन ऑफ कौन सा पाथवे एक्टिवेट होगा अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के बाद कौन सा पाथवे, तो क्लासिकल पाथ एक्टिवेट होगा, और क्लासिकल पाथ से वहां पे आरबीसी की लाइसिस होगी। तो ये हुआ बी ऑप्शन करेक्ट। ओके, यस, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे। नाउ ये समझ में आपको, ये सबको समझ में आया, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथ। तो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथ कौन से एंटीबॉडी से एक्टिवेट होता है, तो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथ आईजीएम एंटीबॉडी एंड आईजीजी एंटीबॉडी से एक्टिवेट होता है। तो तीन पाथवे होते हैं कॉम्प्लीमेंट के, क्लासिकल, अल्टरनेट सेल सरफेस जो होता है पैथोजन का उससे एक्टिवेट होता है अल्टरनेट पाथ, एंड लेक्टिन डिपेंडेंट पाथ कि जो मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन से एक्टिवेट होता है। यस, तो ये समझ में आया। तो इसमें से ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आ सकता है कोई भी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, हाँ करेक्ट करेक्ट स्नेहल, लेक्टिन डिपेंडेंट पाथवे। नाउ मेजरली अगर आप देखो कि ये जो होता है, जैसे अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अभी ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अभी ये कैसे होगा। यस, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। सो इन एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग डेवलपमेंट ऑफ 64 सेल स्टेज, सी अर्चिन एन आइसोलेटेड एनिमल हेमिस्फीयर वॉज कंबाइंड विद द आइसोलेटेड माइक्रोमीयर्स, मतलब एनिमल हेमिस्फीयर को हमने कंबाइन किया माइक्रोमीयर्स के साथ। तो अगर इस तरह से हमने एक्सपेरिमेंट देखा है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कि एनिमल हेमिस्फीयर है, इस एनिमल हेमिस्फीयर प्लस कुछ माइक्रोमीयर्स हमने डाल दिए, एंड इनको अगर हम प्रोसीड करते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो वहां पे रिकॉग्नाइजेबल प्लूटस लार्वा का फॉर्मेशन होता है। रिकॉग्नाइजेबल मतलब उसमें सारे टाइप के सेल्स बनते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए या माइक्रोमीयर्स को रिमूव कर दे, तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन आया, अभी ये उन्होंने कंबाइन किया है आइसोलेटेड माइक्रोमीयर्स के साथ, अगर कंबाइन किया है तो यहाँ पे रिकॉग्नाइजेबल लार्वा बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉग्नाइजेबल लार्वा। ओके, एंड सपोज अगर कंबाइन नहीं करते ना, सपोज इस तरह का एक्सपेरिमेंट होता, कंबाइन नहीं करते, तो सिलेटेड बॉल ऑफ एक्टोडर्म सेल्स बनता, ये भी याद रखना, ये वाला भी पूछा जाता है। अगर कंबाइन नहीं किया, सिर्फ एनिमल हेमिस्फीयर आइसोलेट किया, तो सिलेटेड बॉल ऑफ एक्टोडर्म बनेगा। सो सिलेटेड बॉल ऑफ एक्टोडर्म सेल्स, बस इतना ही बनेगा। तो बस इतना याद रखना कि सी अर्चिन पे एक क्वेश्चन आ सकता है जो एक्सपेरिमेंटल आ सकता है, कभी बीटा कैटेनिन को भी रोल देख सकते हैं कि बीटा कैटेनिन का रोल है, तो बीटा कैटेनिन का भी सेम है। अगर बीटा कैटेनिन नॉर्मल है तो वहां पे मिसोडम एंडोडम बनेगा माइक्रोमीयर से, अगर बीटा कैटेनिन को इनहिबिट किया तो ओनली एक्टोडर्म फॉर्मेशन होगा और सिलेटेड वॉल ऑफ एक्टोडर्म फॉर्मेशन होगा। ओके, यस यस, तो ये समझ में आया आपको। तो ये हुआ सी ऑप्शन की अगर
आपने माइक्रोमीयर्स को कंबाइन किया, तो माइक्रोमीयर्स की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि माइक्रोमीयर्स खुद ही खुद स्केल्टोजेनिक होते हैं, इसलिए मेसोडम बनाते हैं एंड वो नेबरिंग सेल्स को एंडोडम में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए रेकग्नाइजेबल लार्वा बनता है। सो दिस इज रेकग्नाइजेबल लार्वा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बीटा कैटेनिन, मतलब बीटा कैटेनिन ही है कि जो रोल प्ले करता है माइक्रोमीयर्स में, माइक्रोमीयर्स में बीटा कैटेनिन ओटीएक्स रोल प्ले करता है, ऑक्ट फोर सॉरी ओटीएक्स बीटा कैटेनिन एंड ऑक्ट ये मेजर रोल प्ले करते हैं। तो बीटा कैटेनिन जहां पे होता है वहां पे मेसोडम बनता है, एंडोडम भी बनता है। अगर बीटा कैटेनिन को रिमूव किया, अगर इनहिबिट किया, तो वहां पे सिर्फ एक्टोडम बॉल बनता है, एक्टोडम का ही फेट आता है, मेसोडम एंडोडम का नहीं आता है। ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स हेल्पर टी मेमोरी सेल्स अगेंस्ट एंटीजन अपीयर अर्लियर देन द बी मेमोरी सेल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रीजन फॉर दिस फेनोमेनन। अगर यहां पे हम देखें कि ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स में टी हेल्पर सेल्स सबसे पहले आते हैं, हेल्पर टी मेमोरी सेल्स अगेंस्ट द एंटीजन अपीयर्स अर्लियर देन बी मेमोरी सेल्स, टी हेल्पर सेल अगर आएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रीजन फॉर दिस फेनोमेनन, क्या मेजर रीजन है, प्राइमरी रीजन क्या है? तो टी हेल्पर सेल, इसलिए टी हेल्पर सेल से जो टी मेमोरी सेल है ये पहले क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पे मेजर रोल इतना होता है कि टी हेल्पर सेल्स का फर्स्ट एक्टिवेशन होता है, पहले तो टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होगी एंड एक्टिवेट होने के बाद वो जो साइटोकाइन रिलीज करेगी उस साइटोकाइन से बी सेल एक्टिवेट होंगे, ओके उसके बाद बी सेल एक्टिवेट होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि बी सेल एक्टिवेशन बाद में होगा, तो बी सेल एक्टिवेशन भी बाद में होगा, तो बी सेल्स के जो मेमोरी बनेंगे वो भी बाद में बनेंगे। टी हेल्पर सेल पहले एक्टिवेट हो रही है क्योंकि उसको पहले एंटीजन प्रेजेंट हो रहा है एंड इसीलिए टी हेल्पर सेल्स का एक्टिवेशन होने के बाद उसकी टी मेमोरी भी बनेगी और वो डिफरेंशिएट भी होगी अलग अलग सेल्स में, जैसे TH1, TH2, TH17 एंड इसीलिए हम बोलते हैं कि बी सेल एक्टिवेशन रिक्वायर्स टी हेल्पर सेल, कि बी सेल एक्टिवेशन के लिए टी हेल्पर सेल चाहिए, इसलिए बी सेल्स के मेमोरी सेल्स बाद में आएंगे एज कंपेयर टू द टी सेल्स। टी सेल्स से कंपेयर करें यहां पे मेमोरी सेल्स बाद में आएंगे। ये समझ में आया? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, वेरी गुड। सो ये हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टी सेल ग्रोथ में इंटरलुकिन टू हेल्प करता है, जो टी सेल्स को प्रोलिफरेट करने में काम करता है, इंटरलुकिन टू। हाँ रचना, ये समझ में आया? यस। तो ये हुआ मेजर रोल की, हमने ये डिस्कस किया इन द सीरीज ऑफ इम्यून सिस्टम एक्सपेरिमेंट, कि जो इम्यून सिस्टम का एक्सपेरिमेंट है, द थाइमस ग्लैंड वेयर रिमूव्ड न्यूबॉर्न माइस, Which of the following would be the predict likely result? तो ऐसा हुआ कि एक माइस था, न्यूबॉर्न माइस, एंड उस न्यूबॉर्न माइस से हमने क्या कर दिया, उसका थाइमस रिमूव किया। अगर हम थाइमस को रिमूव करते तो क्या होगा? अभी थाइमस रिमूव किया मतलब क्या होगा, देर इज द नो टी सेल मैचुरेशन, तो यहाँ पे टी सेल्स का मैचुरेशन नहीं होगा। अगर टी सेल्स मैच्योर ही नहीं होंगे, इसका मतलब टी सेल कौन सी इम्यूनिटी देते, तो टी सेल शो सेल मेडिटेड इम्यूनिटी, तो देर इज द नो सेल मेडिटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिटेड इम्यूनिटी नहीं होगी। सेल मेडिटेड मतलब टी हेल्पर भी नहीं होंगे और टी साइटोटॉक्सिक भी नहीं होंगे। अगर सेल मेडिटेड इम्यूनिटी नहीं होगी, तो अगर इस माइस को आप कोई भी ट्रांसप्लांट दो, मतलब सपोज ग्राफ्ट दिया हमने, तो ग्राफ्ट जैसे स्किन ग्राफ्ट की या जैसे कोई भी ग्राफ दिया, तो वो ग्राफ जो है वो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। क्यों? क्योंकि सेल मेडिटेड इम्यूनिटी नहीं है, सेल मेडिटेड इम्यूनिटी ग्राफ्ट रिजेक्शन में काम करती है। अगर सेल मेडिटेड इम्यूनिटी होगी नहीं, तो वो ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं होगा, एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं होगा मतलब ग्राफ्ट एक्सेप्ट होगा, ओके। इसलिए हम बोलते हैं कि सेल मेडिटेड इम्यूनिटी यहाँ पे मेजर रोल प्ले करती है। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन में सेल मेडिटेड इम्यूनिटी काम करती है, ओके, ये याद रखना। सेल मेडिटेड इम्यूनिटी में टी हेल्पर टी साइटोटॉक्सिक आएंगे, एंड अगर थाइमस नहीं होगा तो यहाँ पे वो सेल्स, सेल मेडिटेड इम्यूनिटी ना होने की वजह से ग्राफ्ट एक्सेप्टस होता है।
ये समझ में आया? यस, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, वेरी गुड। सो वेरी गुड, अपने गलतियां देखो, गलतियां कर रहे हो आप अभी भी, गलती मत करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक समझा? यहां तक के सारे क्वेश्चन क्लियर है? आई होप आपके सबके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं एंड रिलेटेड कंसेप्ट भी सॉल्व हो रहे हैं। हाँ, कॉन्फिडेंस तो आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा? यस, समझ में आ रहा है सबको? ड्रोसोपिला एम्ब्रियो में जो म्यूटेशंस होते हैं, सो इन ड्रोसोपिला म्यूटेशंस इन होम्योटिक जीन्स रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स। म्यूटेशंस जो होते हैं ड्रोसोपिला में, म्यूटेशंस का रोल क्या है कि म्यूटेशंस की वजह से वहां पे होम्योटिक जीन्स में अगर म्यूटेशंस हुए तो ऑर्गन की आइडेंटिटी चेंज होगी। एंड ऑर्गन की आइडेंटिटी कैसे चेंज होगी कि आपको ड्रोसोपिला में अलग अलग मतलब जगह पे ऑर्गन्स फॉर्मेशन दिखेंगे, अलग अलग जगह पे मतलब कभी कभी आपको ऐसा भी दिखेगा कि विंग्स का फॉर्मेशन T2 में हो रहा है एंड विंग्स का फॉर्मेशन T3 में भी हो रहा है, तो आपको ऐसा दिखेगा। यस, ऐसा दिखेगा कि 4 विंग्स का, या कभी कभी ऐसा भी दिख सकता है आपको कि जो ड्रोसोफिला है उस ड्रोसोफिला में मतलब क्या हुआ, हाँ ऐसा दिख सकता है यहाँ पे कि यहाँ पे भी एंटीना बना, तो यहाँ पे भी एंटीना बना T2 सेगमेंट में और ऊपर भी एंटीना बना, तो दो दो एंटीना मतलब क्या, आप तो 5G रेंज आएगी। 5G मतलब वो ड्रोसोफिला रुकेगा नहीं, हमेशा उड़ता रहेगा, इतना उड़ेगा कि पूरे दुनिया का चक्कर लगा देगा। तो दो दो एंटीना हो गए, तो ऐसा भी कंडीशन आपने देखा होगा कि ऐसा हो सकता है कि एंटीना का फॉर्मेशन ऐसा हो, ओके, या उसके अपोजिट भी हो सकता है कि लेक का फॉर्मेशन क्या हो सकता है कि ड्रोसोफिला, ऐसा भी हो सकता है हमने देखा है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ड्रोसोफिला है ना यहां पे, यहां पे ये ड्रोसोफिला है, अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको यहाँ पे एक पैर आ जाए सिर के ऊपर, ऐसा भी तो हो सकता है ना। और ऐसा हो सकता है तो फिर वो तो दो दो पैर मतलब क्या, अब तो उसका दिमाग कितना चलेगा, देखो इतना दिमाग चलेगा कि रुकेगा ही नहीं। इतना पैर मतलब पहले से दो तीन पैर थे और एक पैर दिमाग में आ गए तो दिमाग कितना चलेगा भैया, दिमाग चलेगा नहीं, दिमाग दौड़ेगा कंप्यूटर की तरह दौड़ेगा। तो ये म्यूटेशंस है, बाय द वे ये म्यूटेशंस कब कब होंगे ये पूछ रहा हूं मैं तो आपको म्यूटेशन इसलिए शो कर रहा हूं ताकि आप मुझे बताओ कि ये कब तक म्यूटेशंस कब कब शो होंगे। तो या तो ड्रोसोफिला में ऐसी कंडीशन होगी कि 4 पंख होंगे तो थोड़े स्पीड से भागेगा, 4-4 पंख मतलब क्या, चारों पंख हिलाएगा। सपोज ये वाली कंडीशन आई चारों पंख वाली, तो इतना स्पीड से भागेगा कि वो एरोप्लेन को भी रास्ता दिखाएगा, उसके पीछे एरोप्लेन रहेगा, ये आगे दौड़ेगा, क्यों, क्योंकि 4 पंख आ गए। अभी एक कंडीशन ऐसी हो सकती है एंटीना पेयर के जगह पे आया तो फुल रेंज 5G, ओके, पूरी दुनिया भर की रेंज इसके पास होगी, ये टेंशन ही नहीं, इसका तो मतलब इंटरनेट का सवाल ही नहीं, फुल रेंज रहेगी हमेशा। और एक होगा कि सिर के ऊपर पैर होगा तो वो रुकेगा नहीं, दौड़ेगा, इसका तो दिमाग ऐसा दौड़ेगा क्योंकि दिमाग को अभी आ गया पैर, एंड दिमाग को पैर आ गया तो दिमाग रुकता थोड़ी है, वो तो दौड़ेगा ना। बाय द वे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो होम्योटिक जीन्स में म्यूटेशन हुआ तो सेगमेंट स्पेसिफिक आइडेंटिटी विल बी लॉस्ट, ओके। तो ए डायग्राम जो है, बी डायग्राम जो है, एंड सी डायग्राम हो, कहां पे कौन सा म्यूटेशन होता है ये पूछ रहा हूं मैं। यस, मैंने तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए डायग्राम ड्रॉ किए, कहां पे कौन सा। यस, कौन सा म्यूटेशन कहां पे होगा, एबीसी में ए डायग्राम कौन से म्यूटेशन का है, बी डायग्राम कौन से म्यूटेशन का है, सी डायग्राम कौन से म्यूटेशन का है। यस,
हाँ वो चिट्टी बन जाएगा, चिट्टी रोबोट, वो रुकेगा ही नहीं। करेक्ट शिवानी, यस। अभी ए बी सी डायग्राम बताओ तो सही, क्या कर रहे हो आप? हाँ हाँ म्यूटेशन कौन सा हुआ वो बताना, म्यूटेशन कौन सा हुआ? यस स्मृति, म्यूटेशन बताना स्मृति, म्यूटेशन विच म्यूटेशन, ए वाले में कौन सा म्यूटेशन हुआ है? एंटेनेपिडिया में म्यूटेशन टाइप बताओ। हाँ एंटेनेपिडिया गेन ऑफ फंक्शन, देखो अश्विनी ने करेक्ट बताया, एंटेनेपिडिया में अगर गेन ऑफ फंक्शन होता है, एंट पी में अगर गेन ऑफ फंक्शन या आप बोल सकते हो डोमिनेंट म्यूटेशन होता है तो आपको ऐसा मिलेगा। तो एंट पी में गेन ऑफ फंक्शन हुआ तो दिमाग दौड़ेगा, दिमाग रुकेगा नहीं क्योंकि वहां पे कंटिन्यूअसली। यस यस। और दूसरा आप देखो यहां पे मेजरली हम ये देखते कि जो बी म्यूटेशन है, बी में क्या होता है, तो बी में यूबीएक्स में लॉस ऑफ फंक्शन हुआ है, बी में क्या हुआ है, अल्ट्रा बाय थोरेक्स में लॉस ऑफ फंक्शन, बी में अल्ट्रा बाय थोरेक्स में लॉस ऑफ फंक्शन होगा। एंड सी में क्या होगा, तो सी में एंड पी में लॉस ऑफ फंक्शन हुआ है, तो सी में एंड पी में लॉस ऑफ फंक्शन हुआ है। ये समझ में आपको? यस यहां तक समझा? हाँ यूबीएक्स वाला, करेक्ट करेक्ट, आप तो सब जानते हो, आपको सब समझ में आया, यहां तक समझ में आया? ये वाले म्यूटेशंस याद रखना, ये वाले म्यूटेशंस में से कोई भी एक आ सकता है। ओके हाँ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ विंग्स बनेंगे, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन है, इनफॉर्मेटिव है, एंड ये वाला क्वेश्चन तो आने ही वाला है, ये तो फिक्स है। पैरासाइटोलॉजी से एक क्वेश्चन तो फिक्स में आएगा, बस आपको बताना है कौन सा आएगा। यस तो ट्रिपेनोजोमा गैंगनीज, ये तो हम ट्रिपेनोजोमा में पढ़ते हैं, इसमें वीएसजी होते हैं, वेरिएबल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन, इसको याद रखो। सो वेरिएबल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन, यस। तो 4-1 करेक्ट है, 3-2-2 फ्लेविवायरस, 4 स्लीपिंग सिकनेस, तो अफ्रीकन टिक बाइट, अफ्रीकन टिक बाइट इसका क्या है, तो इसका है रिकेट्सिया। स्पेसिस एलो फीवर, एलो फीवर का फ्लेवी वायरस, माइक्रोसेफेली जीका वायरस एंड स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेनोजोमा गैम्बनीज, बस इतना तो याद रखना है, ये तो इनफॉर्मेटिव है इसको तो याद ही रखो। अभी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, यस तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड, सेकेंड ऑप्शन है। ये समझ में आया? बस ये याद रखना है आपको, अभी ये याद रखने का क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे याद रखना चाहिए आपको। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट एक्सपेक्ट यू सी यू वेर एबल टू स्पेसिफिक ब्लॉक एपोप्टोसिस डेवलपिंग लिम्बर, अरे अरे डेवलपिंग लिम्बर में कुछ करना नहीं चाहिए था, ऐसे क्यों किया इन लोगों ने? ये बोल रहे कि ये डेवलपिंग लिम्बर था और इस डेवलपिंग लिम्ब में से, अब ये किसका लिम बन गया, हल्क का लिम बन गया, ऐसा नहीं है, ये हल्क ऐसा लिम होना चाहिए ना, हाँ ऐसा लिम होना चाहिए, और वो बोल रहे हैं कि डेवलपिंग लिम बर्ड में से उन्होंने एपोप्टोसिस ब्लॉक कर दी, तो क्या होगा, क्या होगा एपोप्टोसिस ब्लॉक कर दी तो? क्या होगा एपोप्टोसिस ब्लॉक कर दी तो?
तो एपोप्टोसिस ब्लॉक कर दी तो प्रॉब्लम होगा ना, होगा या नहीं होगा? होगा प्रॉब्लम, क्योंकि एपोप्टोसिस ही नहीं होगी, सपोज नो एपोप्टोसिस, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो लिम्ब कनेक्टेड रहेंगे क्योंकि एपोप्टोसिस नहीं हुई, तो एपोप्टोसिस नहीं हुई तो लिम्ब कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि एपोप्टोसिस होती तो लिम्ब फ्री हो जाते, इस तरह से फ्री होते, बट फ्री नहीं होंगे, वो कनेक्टेड रहेंगे, तो वो बन जाएगा कोन। तो अगर एपोप्टोसिस नहीं होगी तो फिर वो तो डक बन जाएगा, क्योंकि वो डक की तरह दिखेगा फिर, और डक की तरह दिखेगा तो उसको पानी में जाना पड़ेगा, क्योंकि एपोप्टोसिस ना होना मतलब लिम्ब डिजिट्स कनेक्ट रहना, इसका मतलब है कि उसको वो तो फिर डक बन जाएगा, और डक बन जाएगा तो उसको पानी में जाना पड़ेगा, और पानी में जाके उसको तैरना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं बचा अभी, अभी लिम्स जो है वो डिजिट्स कनेक्टेड रहे। ओके, तो डक को याद रखना, डक को, कि डक ऐसे ऐसे मारते ना पैर पानी में, वो इसलिए क्योंकि उसके डिजिट्स कनेक्टेड होते। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। यस, सेल्स एपोप्टोसिस में नहीं जाएगा, वो कनेक्ट होंगे, वो कनेक्टेड रहेंगे। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये तो आपको आता ही होगा, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको आता ही होगा। क्या है हेमिप्टेरा किसिंग बग? दिस इज एसोसिएटेड विद द डिसीज, चगास डिसीज, करेक्ट, पी का थर्ड होना चाहिए। यस, सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई तो कितना सिंपल है, काला आजार, तो सैंड फ्लाई का होना चाहिए काला आजार, आजार भी काला होता है। यस, आजार भी काला होता है। डियर फ्लाई, तो डियर फ्लाई इसका क्या होना चाहिए, टुलेरेमिया, टुलेरेमिया, टुलेरेमिया। ओरिएंटल फैट फ्लिया, इसका क्या होना चाहिए, बल्बोनिक प्लग। तो ये चारों ऑप्शन मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। यस, फर्स्ट ऑप्शन, बट ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि ये आपको याद रहे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पैरासाइट से एक क्वेश्चन आएगा जो डिसीज, डिसीज रिलेटेड होगा, वेक्टर्स पूछा जाएगा, डिसीज कॉजेटिव एजेंट पूछा जाएगा। ओके, इसलिए इनको करना, इनको छोड़ना मत, ये इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं, इंफॉर्मेटिव बेस्ड है, पता होता है तो आता है, पता नहीं है तो कैसे आएगा, तो इसलिए पता करना जरूरी है, इसलिए आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ये लास्ट मोमेंट पे ऐसे क्वेश्चन रिवाइज करने होते हैं जो याद रखने वाले होते हैं, इंफॉर्मेटिव टाइप क्वेश्चन लास्ट मोमेंट पे याद रखने, एंड जो कंसेप्चुअल है उसको रिवाइज एक बार हो गया तो भी वो याद रहते, ऐसे क्वेश्चन याद नहीं रहते। यस, यहां तक समझ में आपको? अभी ये वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, और मैं आपको ये वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही बताऊंगा कैसे डायरेक्ट है, क्योंकि ये हमेशा याद रखना, सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमाइटिस जो है वो डीएनए के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसलिए Q3 को याद रखो। Q3 हो गया तो आपको समझ में आएगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कनेक्टिव टिश्यूज के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनते हैं। मिस्टेमिया ग्रेविस, ये तो एसिटिलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट बनाता है, तो ये R4। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइलिन शीथ के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनते हैं, तो इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है, बस इतना याद रखो। इसी में से क्वेश्चन एक तो आएगा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में से, अगर एक भी क्वेश्चन आता है ऑटोइम्यून से तो इस तरह से ये वाले मेन मेन क्वेश्चन है कि जो आपको याद रह सकते हैं, या तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस याद रखो, या मिस्थेमिया ग्रेविस याद रखो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस याद रखो, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाइटिस। क्यों? क्योंकि ये वाले क्वेश्चन बार बार आए हुए, बस चार में से एक भी याद रखोगे, दो याद रखोगे, बस हो गया, कोई टेंशन नहीं, ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और ये क्वेश्चन सिंपल होते, डायरेक्ट होते।
एक दो डिसीज सिर्फ याद रखने, ज्यादा से ज्यादा चार डिसीज बस ऑटो इम्यून के। तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, वेरी गुड, आप सब लोगों ने सही दिया। यस, अब आएगा मजा। यस, अब देखते हैं ड्रोसोफिला में क्या म्यूटेशन हो रहा है भैया, क्या हुआ है। सीन ड्रोसोफिला म्यूटेशन, म्यूटेशन इन अल्ट्रावायलेट थोरैक्स विच डिफेंड द थर्ड सेगमेंट ऑफ थोरैक्स T3 लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ फोर विंग फ्लाइज एज द हल्टर्स डेवलप इन टू द सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोटाइप इन फ्लाई विल रिजल्ट फ्रॉम ओवर एक्सप्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट थोरैक्स इन सेकेंड थोरेसिक सेगमेंट। अभी तो बहुत डिफिकल्ट हुआ क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन ही पूरा चेंज कर दिया। उन्होंने बोला है कि एक ड्रोसोफिला है और उस ड्रोसोफिला में यहां पे लेग्स है और यहां पे लेग्स है और यहां पे लेग्स है, और हम बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला कि फिनोटाइप इन फ्लाई विल रिजल्ट टू द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट थोरैक्स इन सेकेंड थोरेसिक सेगमेंट। तो सेकेंड थोरेसिक सेगमेंट में अगर अल्ट्रावायलेट थोरैक्स एक्सप्रेस करो, एक तो पहले ही अल्ट्रावायलेट थोरैक्स T3 में एक्सप्रेस हो रहा है, तो T3 में एक्सप्रेस हो रहा है इसलिए वहां पे पेयर ऑफ हल्टर्स नॉर्मल बन रहा है। सो नॉर्मल पेयर ऑफ हल्टर्स, नॉर्मल पेयर ऑफ हल्टर्स बन रहा है। एंड दूसरा, यहां पे जो अल्ट्रावायलेट थोरैक्स एक्सप्रेस हो रहा है यहां पे एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हल्टर्स बन रहा है, यहां पे एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हल्टर्स बनेगा। तो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हल्टर्स एंड एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हल्टर्स बनेगा, तो विंग्स का फॉर्मेशन होगा क्या? विंग्स का फॉर्मेशन कहां पे होगा? यस, तो विंग्स का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, विंग्स तो ही नहीं बिट होगा क्योंकि T3 में हेल्टर्स बनते थे तो विंग्स नहीं बनते थे। तो अल्ट्रावायलेट थोरैक्स अगर T2 में भी एक्सप्रेस होगा तो हेल्टर्स ही बनेंगे, विंग्स बनेंगे नहीं। इसका मतलब ये ड्रोसोफिला जो होगा उसमें चार हेल्टर्स होंगे, तो फ्लाइज विथ फोर हेल्टर्स, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, तो फ्लाइज विथ द फोर हेल्टर्स करेक्ट। यस, एंड अगर T1 में एक्सप्रेस होता है अल्ट्रावायलेट थोरैक्स, तो अगर T1 में होता तो फ्लाई का फिनोटाइप क्या होता T1 में? T1 में क्या होता फ्लाई का फिनोटाइप? T1 में अल्ट्रावायलेट थोरैक्स एक्सप्रेस हुआ तो फ्लाई का फिनोटाइप क्या होता? तो T1 में होता तो T3 में भी हल्टर्स बनते नॉर्मल प्लेयर के, T2 में विंग्स बनते जो नॉर्मल है, एंड T1 में हल्टर्स बनते जो एक्स्ट्रा है। मतलब T1 में हल्टर्स बनते, T2 में विंग्स बनते, T3 में फिर से हल्टर्स बनते। यस, मतलब क्या, अगर देखो उन्होंने क्या पूछा है, थर्ड सेगमेंट्स ऑफ द ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर म्यूटेशन इन अल्ट्रावायलेट थोरैक्स विच डिपेंड्स द थर्ड सेगमेंट ऑफ थोरैक्स और T3 लीड टू डेवलपमेंट ऑफ फोर विंग फ्लाइज, वो तो करेक्ट है, अल्ट्रावायलेट थोरैक्स नहीं रहेगा तो फोर विंग फ्लाई बनता है। एंड दूसरा, एज द हल्टर्स डेवलप इनटू सेकंड पेयर ऑफ विंग्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोटाइप इन द फ्लाई विल रिजल्ट इन ओवर एक्सप्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट थोरैक्स इन सेकंड थोरैसिक सेगमेंट। अगर आप अभी T2 सेगमेंट में अल्ट्रावायलेट थोरैक्स एक्सप्रेस करें तो T2 सेगमेंट में अगर हल्टर्स अल्ट्रावायलेट थोरैक्स को एक्सप्रेस करोगे तो सिंपल है, T2 सेगमेंट में हल्टर्स बनेंगे, T3 पे ऑलरेडी एक्सप्रेस हो रहा है तो T3 पे भी बनेंगे, तो T2 एंड T3 दोनों में हल्टर्स होंगे, एंड हल्टर जहां पे बनते वहां पे विंग्स बनते ही नहीं है तो विंग्स बनेंगे नहीं। तो T2 में अगर अल्ट्रावायलेट थोरैक्स एक्सप्रेस हुआ तो वहां पे विंग्स नहीं बनेंगे, वहां पे पेयर ऑफ हल्टर बनेगा, T3 में नॉर्मल पेयर ऑफ हल्टर बनेगा। अगर तीसरा, अगर T1 में अगर आप एक्सप्रेस करो ना, T1 में अगर अल्ट्रावायलेट थोरैक्स एक्सप्रेस किया तो सिंपल है, अल्ट्रावायलेट थोरैक्स अगर T1 में एक्सप्रेस किया तो T1 में भी हल्टर्स बनेंगे, T2 में नॉर्मल विंग्स बनेंगे, T3 में भी हल्टर्स बनेंगे। ये समझ में आया? यहां तक समझा? यस, यहां तक समझा सब लोगों को? सबको समझा यहां पे? यस, तो ये हुआ हमारा
मेजर रोल, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, फिक्स में आते हैं, हर बार आते हैं क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चंस सिर्फ याद रखना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस या रिलेटेड क्वेश्चन आपको नजर आएंगे गेट के एग्जाम में, ओके। और आप लोग इतना खुश हो जाओगे कि अभी सॉल्व किया था क्वेश्चन एग्जाम मैपिंग में और वही आया, ऐसा होता है कि अभी सॉल्व किया और वही आया, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आना चाहिए और आएगा, इससे रिलेटेड ही आता है। यस, हाँ, T2 में विंग्स बनेंगे शिवानी, और पैर जो लेग होते हैं लेग भी बनेंगे, T2 की आइडेंटिटी जैसे पहले होती है वैसे रहेगी, यहां तक समझा? यस। नाउ मैच द सिग्नलिंग पाथवे इन ग्रुप 1 विद देयर फंक्शंस इन ग्रुप 2 ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। मैच द सिग्नलिंग पाथवे इन ग्रुप 1 विद देयर फंक्शंस इन ग्रुप 2 ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अभी यह तो क्वेश्चन कैसे पूछा है भैया, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ओहो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये तो एक ही ऑप्शन से मिल रहा है आंसर। यस, एक ही ऑप्शन से मिल रहा है ना, यस, क्या है, नाउ सी हेजॉग सिग्नलिंग, अभी सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं। विंट सिग्नलिंग, विंट मतलब फ्रिजल रिसेप्टर, तो विंट मतलब फ्रिजल रिसेप्टर को याद रखना है, तो R2 होना चाहिए, तो R2, हाँ तो R2 इसमें और इसमें हो गया, दो तो ऑप्शन यहाँ पे कट हो गए। उसके बाद बचा हुआ कौन सा है, तो बचा हुआ है नॉच, नॉच ये इन्वॉल्व इन द फोर सेल स्टेज जो GLP को बाइंड होता है, क्योंकि नॉच स्टेज इन सी लेगेंस थ्रू GLP एक्सप्रेशन, ये करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन, तो S1 होना चाहिए, तो S1, तो ये S1 दोनों में भी सही है, मतलब ये तो बहुत सिंपल। हॉक्स प्रोटीन्स हॉक्स जो जीन्स होते हैं वो TBX ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं, ये लिम्ब फॉर्मेशन में हम देखते हैं, लिम्ब डेवलपमेंट में हॉक्स जीन आगे जाके TBX को एक्सप्रेस करते हैं, तो करेक्ट है, तो Q जो होना चाहिए वो Q4 होना चाहिए, तो Q4 अभी Q4 एक में ही है करेक्ट, एंड बचा हुआ P3, तो P3 हेजॉग सिग्नलिंग, एंड हेजॉग सिग्नलिंग बहुत जगह पे काम करते हैं, वैसे यहाँ पे जैसे वो बोल रहे कि प्लेस क्रिटिकल रोल इन द फेशियल मॉर्फोजेनेसिस इन वर्टिब्रेट एंड म्यूटेशन कॉजेस साइक्लोपिया, ये याद रखना, बट हेजॉग सिग्नलिंग मॉर्फोजेने तो हर जगह पे काम करता है, ओके, हेजॉग जो होता है वो मॉर्फोजेने। हाँ प्रियंका करेक्ट, TBX4 TBX5 हमने डिस्कस किए ना, यस TBX5 होता है, TBX5 फोर लिम में एक्सप्रेस होता है, TBX4 PITX1 हाइंड लिम में एक्सप्रेस होता है, वो हमने डिस्कस किया है ना, वही है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है सेकेंड ऑप्शन, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, बट इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वाले क्वेश्चन को ज्यादा करना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, क्योंकि अभी जो जमाना है वो इस टाइप के क्वेश्चन का है, डायरेक्ट क्वेश्चन डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऊपर ऊपर से नहीं आएंगे, म्यूटेशंस के ऊपर आएंगे, अप्लाइड बायोलॉजी के ऊपर आएंगे, ओके, ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। हाँ करेक्ट, यहां तक समझ में आया, क्वेश्चन का आंसर क्या है, यस, व्हाट इज द क्वेश्चन आंसर, अ न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म, ये वाला क्वेश्चन तो सबको आता है, ये वाला क्वेश्चन तो सबको आता है और सब लोगों को, ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ABCD, यस ABCD,
कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, इसका मतलब चारों आंसर करेक्ट लग रहे हैं मुझे तो। हाँ, सबको चार ऑप्शन, चार ऑप्शन। क्वेश्चन तो पढ़ो क्या है। अ न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म नॉर्मल डेवलपमेंट वॉज अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड बोला है नॉर्मल डेवलपमेंट, वेन फ्यू ब्लास्टमेर वेर रिमूव फ्रॉम 100 सेल स्टेज। अगर एम्ब्रियो 100 सेल स्टेज में होता है एंड 100 सेल स्टेज में अगर आपने कुछ ब्लास्टोमियर्स को रिमूव किया, सपोज हमने क्या किया कि मेरे पास है ना, मेरे पास है ना, मेरे पास आई फॉर्मिंग, मतलब मेरे पास एक रामपुरी था एंड उस रामपुरी से मैंने क्या किया, उस एम्ब्रियो का क्या किया, उस एम्ब्रियो का रामपुरी से उस एम्ब्रियो का आई फॉर्मिंग रीजन रिमूव किया सपोजा। तो आई फॉर्मिंग रीजन रिमूव किया तो आप बोलोगे सर 100 सेल का एम्ब्रियो था और 100 सेल के एम्ब्रियो में आई फॉर्मिंग सेल रिमूव किए और फिर मैंने देखा कि क्या उस एम्ब्रियो में आई फॉर्मेशन होता है क्या, यस, तो आप क्या बोलोगे आई फॉर्मेशन होगा, तो बोलोगे सर 100 सेल स्टेज में किया है आई फॉर्मिंग सेल्स रिमूव किए बट फिर भी आपको एम्ब्रियो बोल रहा है आई फॉर्मेशन हो रहा है, यस, नॉर्मल डेवलपमेंट हुआ। अभी अगर नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है 100 सेल स्टेज में तो आप क्या बोलोगे, कौन सा स्पेसिफिकेशन है, यस, कौन सा है, जो भी ऑटोनॉमस वाले है ना आप मुझे बता देना कि ऑटोनॉमस 100 सेल पे होता है या अर्ली स्टेजेस पे होता है, 8 सेल पे होता है, यस, ऑटोनॉमस कब होता है, 8 सेल पे या 100 सेल पे, एंड क्या ऑटोनॉमस में क्या फिर से नॉर्मल डेवलपमेंट होती है, मोजेक डेवलपमेंट होती है, यस, अगर 100 सेल की बात कर रहा हूं एंड फिर भी आप ऑटोनॉमस बोल रहे हो तो मतलब ये तो बहुत बड़ी गलती है, ये तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन हुआ, ऑब्वियसली कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है क्योंकि अनअफेक्टेड है, तो फिर आप ऑटोनॉमस कैसे बोल रहे हो, यस, ऑटोनॉमस तो 8 सेल स्टेज में होता है, वो तो अर्ली होता है, ये तो 100 सेल की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा लिखा है 100 सेल, हाँ, स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। हाउएवर रिमूवल ऑफ 5 सेल्स एट द 1000 सेल स्टेज, अभी 1000 सेल्स की बात करें, 1000 सेल्स में अगर आप बोलो कि 1000 सेल्स में अगर कुछ सेल्स रिमूव किए तो ऑब्वियसली वहां पे कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी आप सेल्स को नहीं रिमूव कर रहे हो, अभी आप ऑर्गन को ही रिमूव कर रहे होंगे एंड वो अगर ऑर्गन ही रिमूव हो गया तो वहां पे डेवलपमेंट तो होगा ही नहीं, नो डेवलपमेंट, क्योंकि वहां पे ऑर्गन बन चुका था और वो ऑर्गन आपने रिमूव किया होगा, यस, तो कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होगा, समझ में आया, सिंपल है, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन अर्ली फेज में होता है, 8 सेल में होता है, ओके, अगर आप यहां पे 100 सेल्स पे अगर नॉर्मल डेवलपमेंट हो रही है ना तो इसका मतलब है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। इसका आंसर क्या है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ऑटोनॉमस होगा तो 8 सेल स्टेज की बात करते या ऑटोनॉमस में सेल की बात ही नहीं करते, डायरेक्ट बोलते कि सेल्स रिमूव करने के बाद वहां पे कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुआ, मोजेक डेवलपमेंट हुआ, एबनॉर्मल डेवलपमेंट हुआ, वो ऑर्गन बना ही नहीं। सपोज मैं कुछ सेल रिमूव करता हूं आई फॉर्मिंग सेल एंड आई का फॉर्मेशन नहीं होता है तो मैं बोलूंगा वहां पे ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन है क्योंकि आई का फॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि आई फॉर्मिंग सेल्स रिमूव किए थे। यहां तक समझा, यस, हाँ, मोजेक डेवलपमेंट होता है ऑटोनॉमस में। तो इसका आंसर क्या है, आपको समझ में आया गलती क्या हुई, गलती हुई हमने सेल स्टेज नहीं देखा, 100 सेल मतलब बहुत बड़ी सेल स्टेज है, लेटर डेवलपमेंट है, मतलब ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है, यस। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट ओवेस 5 सेल कौन से स्टेज में रिमूव किए वो देखना, रिमूवल ऑफ स्टेज कौन सा है, आप स्टेज नहीं देख रहे हो, 1000 सेल स्टेज है, 1000 सेल स्टेज पे आप रिमूव कर रहे हो ना, आपने ये नहीं देखा ना कि कौन से स्टेज पे रिमूव किए, 1000 सेल, 1000 सेल मतलब लेटर डेवलपमेंट है, ओके, तो वहां पे आप सेल्स को रिमूव थोड़ी कर रहे हो, फिर तो वो जनरेट हुआ होगा ऑर्गन, यस, तो दिस इज कॉल्ड एज द, अच्छा कितना सिंपल क्वेश्चन है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी था, ये तो हमेशा आता है ये क्वेश्चन, तो इसमें से एक क्वेश्चन तो एक तो आएगा ही आएगा। इनवेजिनेशन, इनवेजिनेशन मींस व्हाट, व्हाट इज इनवेजिनेशन, तो यहां पे इनवर्ड
इन फोल्डिंग ऑफ सेल शीट होता है इन्वेजिनेशन, मतलब इन फोल्डिंग ऑफ सेल शीट। एंड यहाँ पे एंडोडम सेल्स होते हैं सी अर्चिन में, करेक्ट। तो एंडोडम इन सी अर्चिन, इन फोल्डिंग मतलब एंडोडम इन द सी अर्चिन, ओके। दूसरा इनवोल्यूशन, इनवोल्यूशन मतलब इन टर्निंग, ओके। तो यहाँ पे अभी हाँ, इनग्रेशन मतलब माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, तो पी टू है, पी टू देन आर वन, तो पी टू आर वन मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है, क्यू फोर ही है करेक्ट। ये इनवर्ड मूवमेंट बोला है, यहाँ पे इन टर्निंग बोलते हैं, इनवोल्यूशन मतलब इनवर्ड या इन टर्निंग बोलते हैं हम। डीलेमिनेशन मतलब स्प्लिटिंग है, डीलेमिनेशन मतलब स्प्लिटिंग है। तो पी फोर, पी टू क्यू फोर आर वन एंड एस थ्री, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट इस टाइप के क्वेश्चन फिक्स में आते हैं। यस हाँ, तो हाँ सबूल, इसलिए तो वो रिमूवल होने के बाद वो एम्ब्रियो में स्ट्रक्चर नहीं बना, आप बोल रहे हो करेक्ट है, ऑटोनॉमस हुआ था इसलिए तो स्ट्रक्चर नहीं बना बाद में, ओके। नाउ नेक्स्ट, मैच द टर्म्स, ये वाले क्वेश्चन आते हैं, ये वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं, डीलेमिनेशन स्प्लिटिंग, इनवेजिनेशन इन फोल्डिंग, इनग्रेशन माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, ओके। उसके बाद इनवोल्यूशन इन टर्निंग, ये इपिबोली एक्सपांशन, ये वर्ड्स याद रखना, इन वर्ड्स से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ये तो आपको आता ही होगा, क्या आंसर है? ओम, क्या हुआ? डी ऑप्शन, अरे वाह, आप लोगों ने तो सही आंसर किया है, मतलब जायगोट सेल रिजल्ट फ्रॉम द फर्टिलेशन, कि जायगोट ऐसे सेल होती है जो फर्टिलेशन के बाद बनती है, करेक्ट है। मोरूला, ये कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल्स हम बोलते हैं, करेक्ट है। ब्लास्टोसिस्ट, अब ये ब्लास्टोसिस्ट में उन्होंने हॉलो स्पेयर ऑफ सेल्स बोला है, बट इसमें ब्लास्टोसिल कैविटी होती है, ये ब्लास्टोसिस्ट जो स्टेज होती है इसमें ट्रोपोब्लास्ट होता है, तो उन्होंने अगर ऐसा मेंशन किया होता था कि उसमें ट्रोपोब्लास्ट प्रेजेंट है या उसमें इनर सेल मास प्रेजेंट है, तो ये सही होता, इनर सेल मास, ओके। हॉलो स्पेयर ऑफ बॉल्स से, क्योंकि वहां पे ब्लास्टोसिल कैविटी होती है, ये भी वो मेंशन कर सकते थे। ओवम जो है अनफर्टिलाइज एग को बोलते हैं ओवम। नियोनेट है, तो ये नियोनेट को हम न्यू बॉर्न ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, क्योंकि अभी बॉर्न हुआ है, नियोनेट। एंड फीटस मतलब एन एम्ब्रियो, फीटस को तो हम एम्ब्रियो बोलते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, बट ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, ब्लास्टोसिस्ट याद रखना, ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, ब्लास्टोसिस्ट कि जहाँ पे इनर सेल मास होती है एंड जहाँ पे ट्रोपोब्लास्ट होती है, इनर सेल मास जो होती है प्लूरिपोटेंट होती है, बस इतना याद रखो, इसके ऊपर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो यहाँ पे ट्रोपोब्लास्ट है एंड ट्रोपोब्लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इनर सेल मास है, ओके, दिस इज इनर सेल मास। एंड उसके बाद यहाँ पे हम बोलते हैं देर इज द इनर सेल मास, ये प्लूरिपोटेंट होती है, या इनर सेल मास को जब लैब में हम आइसोलेट करते हैं एंड लैब में उसको अगर कल्चर करते हैं तो उसको ईएस सेल बोलते हैं, तो यहां पे इसे आप बोलोगे ईएस सेल। तो इनर सेल मास को आइसोलेट करोगे एंड उसको अगर लैब में कल्चर करोगे तो वो ईएस सेल होती है, ईएस सेल प्लूरिपोटेंट होती है, सो ईएस सेल भी प्लूरिपोटेंट होती है। तो बस इतनी चीजें याद रखो, ये इंपॉर्टेंट चीजें कि जो पूछी जाती है। अब आएगा मजा, अब आएगा क्वेश्चन, अब आया क्वेश्चन,
टोटिपोटेंट मतलब शिवानी, जब कोई सेल कंप्लीट एम्ब्रियो बनाए तो उसे टोटिपोटेंट बोलते हैं। ओके, कोई सेल अगर कंप्लीट एम्ब्रियो मतलब कोई जायगोट है, एंड जायगोट अगर दोनों भी टाइप के सेल बनाए, ट्रोपोब्लास्ट प्लस इनर सेल मास, तो उस सेल को आप बोलोगे टोटिपोटेंट। टोटिपोटेंट मतलब ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स बनाने की जो एबिलिटी होती है ये टोटिपोटेंसी है। जैसे जायगोट ट्रोपोब्लास्ट भी बनाता है प्लस इनर सेल मास भी बनाता है तो उसे टोटिपोटेंट बोलते हैं। ओके, हाँ करेक्ट। जैसे तन्वी ने बोला है ना कि एम्ब्रियोनिक एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर डेवलप करने की जो एबिलिटी है वो टोटिपोटेंट है। ये समझ में आया? यस। यहां तक समझा? नाउ नेक्स्ट। अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन एक्सपेरिमेंट, अभी नॉर्मल कंडीशन में देखो, ये ड्रोसोफिला का एग होता है, तो दिस इज ड्रोसोफिला एग। इस एग में न्यूक्लियस कहां पे होता है? यहां पे होता है। ओके, पोस्टीरियर साइड में होता है, दिस इज न्यूक्लियस। एंड ये न्यूक्लियस क्या करता है, यहां से यहां पे माइग्रेट करता है। एंड जब ये न्यूक्लियस यहां पे आता है ना तो ये साइड डॉर्सल बनती है और ये साइड वेंट्रल बनती है। ओके, तो मतलब न्यूक्लियर माइग्रेशन डिसाइड करता है कि डॉर्सल कौन सी बनेगी, वेंट्रल कौन सी बनेगी। ये तो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस का पार्ट है। ओके, अगर आप सेम एम्ब्रियो लो एंड इसमें दो न्यूक्लियस डालो, अभी हम बोल रहे हैं ये ड्रोसोफिला कहेंगे, यहां पे एक न्यूक्लियस है, ये तो नॉर्मल न्यूक्लियस है, ये यहां पे, और एक न्यूक्लियस आपने यहां पे डाला है जो नया वाला न्यूक्लियस है वो यहां पे डाला है। अभी आप बोलोगे सर दोनों तरफ से न्यूक्लियस माइग्रेट करेगा, माइग्रेट तो करना चाहिए दोनों तरफ से। ओके, अभी हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस यहां से भी माइग्रेट करेगा, वो इस साइड में जाएगा। अभी देखो ये वाला साइड अगर इस साइड में जाएगा तो ये वाला साइड डॉर्सल बना, करेक्ट। अगर ये डॉर्सल बना तो ये वाला न्यूक्लियस है ये भी तो माइग्रेट करेगा, ये वाला न्यूक्लियस कहां पे जाएगा, ये वाला न्यूक्लियस इस साइड में माइग्रेट होगा, एंड इस साइड में माइग्रेट हुआ तो ये वाला साइड क्या बनेगा, डॉर्सल। मतलब आप बोलोगे दोनों भी साइड डॉर्सल बनेंगे सर। ओके, मतलब ये डॉर्सलाइज्ड एम्ब्रियो हो जाएगा। एम्ब्रियो क्या हुआ, डॉर्सलाइज्ड हुआ। अभी आप मुझे बताओ जो डॉर्सल में अपेंडेजेस बनने वाले क्या यहां पे बनेंगे क्या? तो सेम एम्ब्रियो को अगर मैं कंसिडर करूं कि ये एम्ब्रियो के अपेंडेजेस या एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या डिफरेंस आएगा, तो देखो डॉर्सल में जो अपेंडेजेस होंगे तो ये तो डॉर्सल के जो अपेंडेजेस है वो यहां पे भी बनेंगे, जैसे डॉर्सल साइड में जो भी अपेंडेजेस बनेंगे वो यहां पे भी बनेंगे इस तरह से, और वो यहां पे भी बनेंगे इस तरह से, मतलब जो विंग्स बनने वाले या हेल्टर्स बनने वाले वो यहां पे बनेंगे, तो दोनों साइड डॉर्सल बनेंगे विथ फोर डॉर्सल अपेंडेजेस। तो ये भी डॉर्सल, ये भी डॉर्सल, एंड विथ फोर डॉर्सल अपेंडेजेस, कि फोर डॉर्सल अपेंडेजेस होंगे, तो इसका मतलब क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि डॉर्सल साइड के स्ट्रक्चर डॉर्सल में ही बनेंगे, तो दोनों साइड डॉर्सल बनेंगे ना, तो दोनों साइड अपेंडेजेस भी होंगे, करेक्ट। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बट ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तभी सॉल्व करना, एनालिसिस करना प्रॉपर। अगर एनालिसिस प्रॉपर करोगे तो ही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, एनालिसिस सिर्फ प्रॉपर करना। यहां तक समझ में आया? यस। यहां तक समझा? यस। तो ये सिंपल है, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस का क्वेश्चन था ड्रोसोफिला के, लेकिन अगर आपको ये समझ में आया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको दोनों साइड, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आप यहां पे दिमाग लगाना पड़ता है। देन अभी ये क्लीवेज का क्वेश्चन, क्लीवेज तो आपको पता ही है, वैसे क्लीवेज में तो क्या ही बताना, एक होता है आइसोलिसाइथल, एक होता है मिसोलिसाइथल, एक होता है
मैक्रो रिसाइटल, बस ये तो आपको पता ही है। आइसोलिसाइटल में एक रेडियल होता है, एक रोटेशनल होता है, एक और कौन सा होता है, स्पाइरल होता है, और एक बायलैटरल होता है। मीसोलिसाइटल में डिस्प्लेस रेडियल होता है, एंड तीसरा मैक्रोलिसाइटल में यहाँ पे डिस्कॉइडल होता है, और कौन सा होता है डिस्कॉइडल के साथ, सुपरफिशियल होता है, और बायलैटरल होता है, करेक्ट। अभी आपको तो ऑर्गेनिज्म पता ही है, अब इसमें क्या ही बोले हम। हाँ ऑर्गेनिज्म, यस, सस्ता सवाल आया, सस्ता सवाल। देखो खुश तो कितने हो गए, खुश तो बहुत हो गए होंगे आप, खुश तो बहुत होंगे। आइसोलिसाइटल किस में होता है, आइसोलिसाइटल तो ह्यूमन में होता है। मीसोलिसाइटल किस में होता है, मीसोलिसाइटल तो फ्रॉग में होता है। टीलोलिसाइटल तो चीक में होता है। सेंट्रोलिसाइटल तो ड्रोसोफिला में होता है। हो गया, अभी क्या करें, पी फोर एंड पी फोर पी थ्री एक ही ऑप्शन में, मतलब बहुत ही सस्ता है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, सस्ते में भी सस्ता है, सस्ते में सस्ता है। इतना सस्ता तो सस्ता भी नहीं होता, उतना ये सस्ता है। कितना सस्ता है, देखो इतना सस्ता कभी सस्ता हो सकता है क्या? हाँ अभी ये हुआ तो आइसोलिसाइटल जो रेडियल है, रेडियल मतलब रेडियल होता है इकाइनोडर्म्स में, सी अर्चिन में, एम्फियोक्सिस में, ये रेडियल होता है, ओके। उसके बाद रोटेशनल, रोटेशनल ह्यूमन में, मैमल्स में होता है और निमेटोड में होता है। तीसरा स्पाइरल, स्पाइरल मतलब ये एनिलिड्स में होता है एज वेल एज जो फ्लैटवर्म्स हैं उनमें होता है, स्नेल में होता है स्पाइरल। एंड बायलैटरल, बायलैटरल मतलब, बायलैटरल मतलब यहाँ पे होता है ट्यूनिकेट्स में, जो आइसोलिसाइटल के क्लीवेज के एग्जांपल है। मीसोलिसाइटल डिस्प्लेस रेडियल फ्रॉग में होता है, एंड मैक्रोलिसाइटल डिस्कॉइडल बर्ड्स में होता है, बर्ड्स रेप्टाइल्स में, सुपरफिशियल ड्रोसोफिला में होता है, एंड बायलैटरल ट्यूनिकेट इसमें सिपेलोपोड मोलस्क में होता है। बस ये एग्जाम्पल याद रखो, इस एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आएगा, फिक्स में आएगा। रेडियल के एग्जाम्पल याद रखना, रोटेशनल के याद रखना, स्पाइरल के याद रखना, बायलैटरल के याद रखना। फ्रॉग में तो मीसोलिसाइटल एक ही है, फ्रॉग एम्फीबियंस, एंड यहाँ पे डिस्कॉइडल भी याद रहता है, चीक रेप्टाइल्स में होता है, फिश में, एंड सुपरफिशियल तो याद ही है वो ड्रोसोफिला का है, एंड बायलैटरल में मोलस्क का याद रखना, सिफेलोपोड मोलस्क। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, क्लीवेज का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा गेट में, याद रखना, ओके। ये समझ में आया, यस, यहां तक समझा, यस। सो नेक्स्ट, विच कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है? यस, इस बार तो गेट 25 क्वालिफाइड है आपकी, आप समझ लेना क्वालिफाइड हो गई है, क्वेश्चन तो यही आएंगे, आप देखो क्वेश्चन इससे बाहर क्या आएंगे, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे, देखना आप, और इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक तो मैंने बोल दिया आपको, जो टॉपिक्स आने वाले। विच कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है? तो ट्रू में देखो, हॉक्स जीन्स हैव अंडरगोन मल्टीपल डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एनिमल इवोल्यूशन, करेक्ट है, क्योंकि हॉक जीन्स आप देखना, हॉक जीन्स डुप्लीकेट होते चले जा रहे हैं, यस, कंटिन्यूअसली डुप्लीकेट, यस, तो ये कंटिन्यूअसली डुप्लीकेशन होते जा रहे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ड्रोसोफिला में 8 जीन्स है और ह्यूमन में 40 है, तो 8 के ही 40 बने, वो डुप्लीकेशन से बने, तो ये डुप्लीकेशन है। फॉर सम रेप्टाइल, रेप्टाइल्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है एनवायरमेंटल, जैसे आप टेम्परेचर का लेते हो, करेक्ट है कि आपने 28 डिग्री पे रखा तो मेल हो सकता है, या 33 पे रखा तो फीमेल हो सकता है, या कुछ ऐसे भी होंगे एलिगेटर्स के जिसमें 28 पे फीमेल होगी और
33 डिग्री पे मेल होगा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते, यस हमारा आशीर्वाद हमेशा ही आपके पास, टेंशन मत लेना, आपका तो इस बार रिजल्ट बहुत जोरों शोरों से होने वाला है। इस बार तो मतलब गेट का एग्जाम इतना सिंपल आएगा, इतना सिंपल आएगा, इतना सिंपल आएगा कि सिंपल को भी सिंपल लगेगा, ये इतना सिंपल आएगा। देखो सिंपल भी सिंपल बोल के पास, पास क्या, क्वालिफाई किया, अच्छा रैंक लाएगा कि मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियंस इज रेगुलेटेड बाय न्यूक्लियर हार्मोन रिसेप्टर सिग्नलिंग, करेक्ट। तो न्यूक्लियर हार्मोन रिसेप्टर से तो रेगुलेट होती है मेटामॉर्फोसिस एम्फीबिया में, कौन करता है, T3 एंड T3, ये कौन सा रिसेप्टर है, तो T3 का रिसेप्टर है टाइप 2 रिसेप्टर, करेक्ट। न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर तो हो गया, मेटामॉर्फोसिस तो हो गया, यस। तो 1, 2, 3 ऑप्शन करेक्ट है, यस। तो ये हुआ हमारा आज अभी का क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉपिक तो मैंने बताया ना श्वेता, देखो सेल सिग्नलिंग से एक क्वेश्चन आएगा फिक्स में, सिग्नल एंड रिसेप्टर को करके जाओ। उसके साथ साथ सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन का एक क्वेश्चन आएगा, सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन में सेल एंड मैट्रिक्स उसके सिर्फ एग्जाम्पल करके जाओ, हेमिडेस्मोसोम डेस्मोसोम या कभी स्कैड्रिंस करके जाओ, आई कैम एन कैम वी कैम करके जाओ, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। कैंसर में प्रोटोंकोजेनिक ट्यूमर सप्रेसर जीन करके जाना, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। ऑन्कोजिन्स क्या होता है वो करके जाना, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में इम्यूनोलॉजी में तो जैसे मैंने बोला टी सेल, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से क्वेश्चन आ सकता है। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर फंक्शन से क्वेश्चन आता है, एमएचसी मॉलिक्यूल से क्वेश्चन आता है, टी सेल से क्वेश्चन आता है, ओके। एंड वैक्सीन से क्वेश्चन आता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से क्वेश्चन आता है। तो ये मेजर मेजर टॉपिक्स है उसको करना है। ये तो हुआ सेल बायोलॉजी सेल सिग्नलिंग का। डेवलपमेंट का मैंने जैसे बोला, डेवलपमेंट में कमिटमेंट का एक टॉपिक, स्पेसिफिकेशन का एक टॉपिक का क्वेश्चन आ सकता है, क्लीवेज का एक क्वेश्चन आ सकता है, ओके। उसके बाद डेवलपमेंट सी अर्चिन फ्रॉग या ड्रोसोपेला डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन आ सकता है फिक्स में, ये तो फिक्स है टॉपिक। उसके बाद में इंडक्शन कॉम्पिटेंस ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो ब्लास्टोमेर डिराइव फ्रॉम अर्ली स्टेजेस ऑफ क्लीवेज डिविजन्स, सेकेंड क्लीवेज डिविजन ऑफ फ्रॉग एम्ब्रियो व्हेन सेपरेटेड कैन गिव राइज टू द वायबल टैडपोल्स, मतलब एक जो ब्लास्टोमेर से ये दो सेल्स थे, ये टू सेल स्टेज अगर कम डेवलपमेंट को प्रोसीड की तो यहां पे भी टैडपोल बनता है और यहां पे भी टैडपोल बनता है, तो दो टैडपोल बने, देखो कितने क्यूट दिख रहे टैडपोल, ये भी टैडपोल बना, ये हमारा बना चंगू और ये हमारा बना मंगू, तो चंगू मंगू क्यूट दिख रहे है, तो हो गए टैडपोल फॉर्मेशन। इसका मतलब ये जो टैडपोल बने ना, ये जो न्यूक्लियस थे, इस न्यूक्लियस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी थी, प्लस उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए वहां पे फैक्टर्स भी थे। तो इसका जो साइटोसोल है ना, साइटोसोल में सारे फैक्टर्स प्रेजेंट है, इसीलिए उस न्यूक्लियस से सारे जीन एक्सप्रेस हो गए। मतलब क्या हम बोलते कि दो टैडपोल बने, वो टैडपोल दोनों कंप्लीट बने। अभी द ब्लास्टोमेर डिराइव फ्रॉम लेट क्लीवेज स्टेज, अगर लेट क्लीवेज स्टेज आता है, हाउएवर फेल टू डेवलपमेंट इनटू नॉर्मल टैडपोल्स, अगर लेट मतलब बहुत लेट हो जाता है, ओके लेट होगा तो लेट होगा तो लेट ही होगा ना, फिर लेट होगा तो कैसे होगा, फिर टैडपोल नहीं बनेगा, तो नो टैडपोल फॉर्मेशन, क्योंकि आप लेट हो गए, इसलिए एग्जाम को टाइम पे जाना, एग्जाम को लेट मत होना, ओके नहीं तो टैडपोल नहीं बनेगा, फिर एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो टैडपोल नहीं बनेगा तो फिर बुरा मत मान के लेना, एग्जाम को टाइम पे जाना, बस इतना ही मेरा बोलने का मतलब है, मेरे भाव को समझो, टैडपोल नहीं बना, मेरे भाव को समझो, टैडपोल नहीं बना। तो टैडपोल क्यों नहीं बना, बट देखो विच इज द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन्स द फेनोमेना, क्या है करेक्ट स्टेटमेंट। तो अर्ली ईच अर्ली ब्लास्टोमर कैरीज एंटायर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ईच अर्ली नहीं, सभी सेल्स में एंटायर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है कंप्लीट एम्ब्रियो फॉर्मेशन की। ईच अर्ली ब्लास्टोमर कैरीज एंटायर साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूट नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट, बी करेक्ट है, ये जीनोमिक इक्वलेंस है, एंड बाकी के तो गलत ही है, बाकी के तो गलत मतलब गलत है, इतना गलत कौन कैसे हो सकता है। देखो सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन को देख के आपको समझ में आएगा कितना गलत, इतना गलत कभी कोई नहीं हो सकता, तो बहुत गलत है, यस।
तो बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इमोशन बैच कंटिन्यू रहेगा हमेशा। टेबल बिलो रिप्रेजेंट सम इंपॉर्टेंट हार्मोन सिग्नल्स इन कॉलम वन एंड पॉसिबल रिसेप्टर्स इन कॉलम टू। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है भैया, ये तो मतलब इसमें कुछ है ही नहीं। देखो ग्लूकागॉन मतलब क्या है, तो ग्लूकागॉन इसका आंसर है जीपीसीआर, तो ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। इंसुलिन का रिसेप्टर है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन का तो न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर है। एरिथ्रोपोइटिन इसका तो साइटोकाइन रिसेप्टर है। टीजीएफ बीटा इसका तो रिसेप्टर सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है। तो डायरेक्ट इक्वेशन तो फर्स्ट का बी है करेक्ट है, सेकंड का सी है, तो सेकंड का सी है करेक्ट है, तो देख सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट का बी है, सेकंड का सी है, थर्ड का डी है करेक्ट है, फोर्थ का ई है करेक्ट है, फिफ्थ का ए है करेक्ट है, तो सेकंड ऑप्शन। बट इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, सिग्नल एंड रिसेप्टर्स को याद रखना एंड जीपीसीआर तो अच्छे से ही करना। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के स्ट्रक्चर कि 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होते हैं, हिट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन होती है, ये करना ही। जी प्रोटीन जी अल्फा जीटीपी बाउंड फॉर्म में एक्टिव होता है, जीडीपी बाउंड फॉर्म में इनएक्टिव होता है, ओके ये करना। एंड जी अल्फा एस, जी अल्फा आई, जी अल्फा टी एंड जी अल्फा क्यू की सिग्नलिंग करके जाना। बस ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि जी अल्फा एस की सिग्नलिंग पता होनी चाहिए कि जो एडेनेट साइक्लेस को एक्टिवेट करता है, जी अल्फा आई की पता होनी चाहिए कि एडेनेट साइक्लेस को इनहिबिट करता है, जी अल्फा क्यू की पता होनी चाहिए फॉस्फोलाइपेसी बीटा को एक्टिवेट करता है, एंड जी अल्फा टी की सिग्नलिंग पता होनी चाहिए ट्रांसड्यूसिन को एक्टिवेट करता है। ये सिग्नलिंग करके जाना जीपीसीआर की, और आरटीके को भी देखना, आरटीके के पाथवेज ओके। आरटीके में भी मतलब आरटीके एक्टिवेशन कैसे होता है, डाइमराइजेशन से, ऑटोक्रॉस फॉस्फोलेशन से, आरटीके कौन से पाथवे एक्टिवेट करता है, तो रैस मैप पाथ, एकेटी काइनेज एंड फॉस्फोलाइपेसी गामा पाथ। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी इसमें क्या ही है, आपको तो पता ही है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हेमीडेस्मोसोम। क्या है आंसर, हेमीडेस्मोसोम, तो ये एंकर्स द सेल इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इन द सेल टू द बेसल लैमिना करेक्ट। गैप जंक्शन फॉर्म्स चैनल, टाइट जंक्शन सील नेबरिंग सेल, एड्रेन जंक्शन एक्टिन बंडल्स को लिंक करते हैं, डेस्मोसोम ज्वाइन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ये तो डायरेक्ट ही, अभी इसमें क्या ही बोले हम, डायरेक्ट क्वेश्चन है करेक्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अभी बस इतना याद रखो, फंक्शन याद रखना इसमें से किसका क्या फंक्शन है, बस इतना ही याद रखना ओके। जितना आप याद रखोगे अच्छे से उतना समझ में आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है चाहे वो कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो ओके। और ये प्रोटीन्स में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, सेल एडिजन मॉलिक्यूल से भी आ सकता है या जंक्शन से भी आ सकता है ओके। बस याद रखना है हमें कि क्वेश्चन आए तो क्या करना है। यहां तक समझ में आया आपको, अच्छा ये सिलेक्टिन है, सिलेक्टिन रिकॉग्नाइज सेल सरफेस कार्बोहाइड्रेट, तो रिकॉग्नाइज सेल सरफेस कार्बोहाइड्रेट। एनकैम, एनकैम ये आईजी सुपर फैमिली मेंबर से,
आर द मेंबर्स ऑफ सुपर फैमिली, आईजी सुपर फैमिली। आईजी सुपर फैमिली में एन क्या आएंगे, आई क्या आएंगे, वी क्या, तो ये याद ही रखना आई क्या में या वी क्या में। ई कैड्रिन ये कैल्शियम डिपेंडेंट करते हैं। इंटीग्रिन्स दे आर द मेजर सेल सरफेस रिसेप्टर। तो बस इतना याद रखो। और ये हुआ ए का फोर, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है। बी का टू, सी का फर्स्ट, डी का थ्री, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ओके तो ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन था। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर से एक क्वेश्चन आ सकता है, ऑन्कोजीन प्रोटोन्कोजीन का एक क्वेश्चन आ सकता है, या क्लासिफिकेशन बस उसके ऊपर, या प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। प्रॉपर्टीज करके जाना कैंसर के, कैंसर के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा बहुत फिक्स में, तो उसको करके जाना अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, उससे बहुत सारे टॉपिक्स भी आपके हो गए अच्छे से क्लियर। यस अभी इसको देखते हैं किसको क्या आता है आंसर इसका। हाँ यस देखा देखा, तो देखो सिंपल है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब बिनाइग मतलब स्टार्टिंग फॉर्म ऑफ ट्यूमर होता है, स्टार्टिंग फॉर्म चाहे वो बिनाइग और मैनिग्नेंट हो, इस ट्यूमर को हम नियोप्लाज्म बोलते हैं। ओके उसके बाद ट्यूमर दैट अराइज फ्रॉम एंडोडर्मल टिश्यू, ये कार्सिनोमा है, दिस इज द कार्सिनोमा, क्योंकि इपिथिलियल सेल्स है, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म ये इपिथिलियल में आते, तो ये कार्सिनोमा का टाइप है। ट्यूमर दैट अराइज फ्रॉम मीसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू, तो मीसोडर्म मतलब कनेक्टिव, सार्कोमा है या मीसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू है, वो सार्कोमा है कनेक्टिव टिश्यूज का। उसके बाद ट्यूमर दैट इनवेजिव एंड कंटिन्यू टू ग्रो, अगर इनवेजिव है एंड कंटिन्यूसली ग्रो होता है तो ये मैलिग्नेंट है, इनवेजिव वो मैलिग्नेंट ट्यूमर की प्रॉपर्टी है। एंड ट्यूमर सेल्स दैट सेपरेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल ट्यूमर एंड ग्रो इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी दैट इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस, इसे हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। एंड कैंसर सेल दैट अराइज फ्रॉम द हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल दैट इज द ल्यूकेमिया, ये ल्यूकेमिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट। ओके बट याद रखना ये टर्मिनोलॉजीज ये थोड़े क्लोज क्लोज है टर्मिनोलॉजीज, तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये समझ में आया क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन को समझो। यस ये अलग अलग क्वेश्चंस में से इसको समझना है। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन हुआ कंप्लीट, यहाँ पे मैंने सारे आपको क्वेश्चंस बता दिए थे, सारे क्वेश्चंस आपके हो भी गए थे। नाउ अभी यहाँ पे आज का हमारा सेशन भी कंप्लीट हुआ और ये सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। अभी यहाँ पे आपको समझ में आया, रिविजन्स थोड़ी और अच्छे से करना है, फाइनल रिविजन बाकी, अभी फाइनल रिविजन करना अच्छे से, कोई भी डाउट आता है तो पूछ लेना, फाइनल रिविजन इम्पोर्टेंट है। गेट 2023 के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट, सेल सिग्नलिंग, इम्यूनोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, उसके जितने भी क्वेश्चन मुझे लगते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैंने बोल दिए एंड उसके क्वेश्चंस भी कवर किए। ओके
मेजोरिटी क्वेश्चंस आपको इसी में से आएंगे, इसमें से या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक्स याद रखना, टॉपिक्स कौन से किए, ओके। एंड मेजरली मेन मेन टॉपिक सारे हमने कंप्लीट कर लिए, ओके। तो आप अच्छे से, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है, आपने आंसर बहुत अच्छे दिए, आप सभी कॉन्फिडेंट हो, आपने आंसर बहुत गलत, मतलब गलत नहीं किया, बहुत अच्छे से किया। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू। एंड अच्छे से प्रिपरेशन करना, डरना मत, कोई टेस्ट स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। इसमें आप एक रिवीजन, एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक बार कर सकते हो, तो कर लो, जितना कर सकते हो उतना कर लो, कोई टेंशन मत लो, ओके। और आपका एग्जाम इस बार बहुत अच्छा जाएगा, आप टेंशन ही मत लेना, आपका एग्जाम एकदम मस्त जाएगा। यस, सो हाँ, चॉकलेट अभी गेट एग्जाम आने के बाद ही देंगे, अब पहले गेट एग्जाम क्रैक करेंगे फिर चॉकलेट खाएंगे, ओके। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। बाकी गेट 2024 के लिए एक्सक्लूसिव लाइव कोर्स स्टार्ट हो रहा है 20 फेब से, तो 20 फेब से स्टार्ट हो रहा है। तो आप कोई भी, आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे, आप आपके जूनियर्स होंगे जो भी पढ़ रहे, उनको आप बता दीजिए, ताकि अभी से रिविजन, अभी से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए तो उनके लिए बेस्ट होगा, और वो प्रिपरेशन अच्छी हो जाए तो एग्जाम भी क्रैक जल्दी हो जाएगी। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू। यस, हो गई क्रैक, तो थैंक यू। बाकी हम नेक्स्ट कल के लेक्चर में प्रांशु सर आएंगे, प्रांशु सर भी सारे बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, तो कल के सेशन में भी आप ऐसे ही अच्छे से अटेंड करना और उसको मतलब एंजॉय करना सेशन को। यस, सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।